हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड वान 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 में। आज के सेशन में हम मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंट फोर्स और करंट कैरिंग वायर के कारण प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे साथ ही इन कॉन्सेप्ट्स के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर हमारी खास नजर रहेगी लेटस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स जब चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्टैटिक होता तो वो अपने में करते हैं। लेकिन जब ये जोश में आ जाते हैं आई मीन वेन दे स्टार्ट मूविंग तो इन चार्ज पार्टिकल्स के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है right, अब आप मुझे ये बताइए जब कभी हम मूविंग चार्जेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है जी इलेक्ट्रिक करंट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसान भाषा में जहां कहीं आप इलेक्ट्रिक करंट का वायर देखोगे उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है और इसे आप एक मैग्नेटिक कंपास की मदद से वेरीफाई भी कर सकते हो यू you नो know, एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया किसी करंट कैरिंग वायर एलिमेंट के पास आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक करंट और उस वायर के एलिमेंटल लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाना चाहो तो बस आपको डीएल वैक्टर और आर वैक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल की मदद से ढूंढ निकालना है इन ऑब्जर्वेशंस के मैथमेटिकल फॉर्मूला को इस बायोसेवेड लॉ की मदद से एक्सप्रेस किया जाता है यह एक्सप्रेशन देखने में इतना प्यारा तो नहीं है लेकिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स के लिए यह वैल्यू सिंप्लीफाई होकर ऐसी हो जाती है तो यह बताता है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन करती हैं हावेवर, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में जाकर मर्ज हो जाती हैं अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच के इस बेसिक डिफरेंस को याद रखना चलिए आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगाए जाने वाले फोर्सेस की ओर यहां पर मजेदार बात यह है मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता और जो मूविंग चार्जेस हैं उन पर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा उनके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, के सिर्फ को करने वाला है। इस फोर्स के कारण चार्ज के स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा दैट स्कूल cool, है ना नेक्स्ट इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को आप इस क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो इसे लॉरेन फोर्स भी कहा जाता है नाउ पे अटेंशन जब कभी किसी चार्ज पार्टिकल पर लॉरेन फोर्स लगना शुरू होता है हमें दो बातों का ध्यान रखना है नंबर वन लॉरेन फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल के पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा और जिसके कारण वो एक सर्कल में घूमने लगेगा एंड नंबर टू जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था इस सेंट्रल फोर्स का वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो क्योंकि लॉरेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहता है इससे एक बात तो साफ है जब कभी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो उस रीजन में गोल गोल घूमता रह जाएगा करेक्ट लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा सोच के देखिए यहां पर आप चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देख सकते हो वन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे इस स्पेशल सिनेरियो में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए स्पाइरल शेप बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है वी कॉल इट अलिकल मोशन अब आप इस हेलिक्स के रेडियस को एस्टिमेट करने के लिए क्या करोगे आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए मैग्नेटिक फील्ड का अभी तक का डिस्कशन आपको काफी थियोरिटिकल लग रहा होगा है ना बट वेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पता है सोलर स्टॉम के समय जब सोलार विंड के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का हमारे धरती के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्शन होता है तो ये चार्ज पार्टिकल्स हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही हेलिकल पाथ में ट्रैप होकर रह जाते हैं और इसके कारण आप नॉर्थ और साउथ पोल के आसमान में खूबसूरत रंगमंच सजा हुआ देख सकते हो दिल को छू लेने वाली इन नॉर्डन लाइट्स की कहानी को हमने एपिसोड 23 में डिटेल में डिस्कस किया है डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट फर्दर आपको यकीन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराके कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है हाउ एक्जेक्टली चलिए समझते हैं बेसिकली देयर इज अ मशीन कॉल्ड साइक्लोट्रॉन इस मशीन में दो डी शेप वाले कंडक्टर्स को एक सर्टन गैप में मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है नाउ जब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो आप इन कंडक्टर्स के बीच के गैप में एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होता देख सकते हो एक बार ये सेटअप तैयार हो गया तो इसके आगे की कहानी आसान है क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर घुसता है तो वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है एंड नाउ दैट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू हर आधे चक्कर के बाद इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड और सर्कल का साइज दोनों ही बढ़ते जाएंगे दैट साउंड इंटरेस्टिंग है ना कुछ समय बाद जब हमारा चार्ज पार्टिकल डिजायर्ड एनर्जी लेवल अचीव कर लेता है तो उसे एक डिफ्लेक्टर की मदद से साइक्लोट्रॉन से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है अब आप यह सोच रहे होंगे इतने छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा के हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज कैसे कर लेंगे है कि नहीं द थिंग इज आजकल डॉक्टर्स कैंसर को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेने के लिए पीई स्कैन का इस्तेमाल करते हैं इन पीई टी स्कैन को परफॉर्म करने के लिए फ्लोरिन के रेडियो आइसोटोप्स एफ एटीन की जरूरत होती है जिन्हें साइक्लोट्रॉन की मदद से ही प्रोड्यूस किया जा सकता है अब आपको समझ में आ रहा होगा हमें मैग्नेटिज्म जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में क्यों पता रखना चाहिए एंड दैट्स अ फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आने वाले सेशन में हम मैग्नेटिज्म और उनके एक्साइटिंग एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कहीं जाइएगा मत मिलते हैं अगले हफ्ते तब तक कीप कॉमेंटिंग कीप शेयरिंग हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं